उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद सरकार ने प्रदेश से अपराध खत्म करने के लिए संकल्प लिया है, लेकिन सरकार के इरादों पर भूमाफिया पानी फेर रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर सरकार ने जो कदम उठाया है वो वाकई सराहनीय था, लेकिन एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को वार्ड 4 के पार्षद द्वारा महापौर से शिकायत की गई कि निगम की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जो गलत है। महापौर ने मामले की जानकारी नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को दी और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कहा। दल में शामिल अशोक सैनी ने बताया कि पूर्व महापौर एसटी हसन के द्वारा उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए चुना गया था, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज महापौर जी के ऑफिस में हम लोग एक शिकायत को लेकर आए थे, जो वार्ड नंबर 4 प्रपटपुरा लाकड़ी में दो जमीनों पर अवैध कब्जा भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा था। एक नगर नियम की जमीन है 2485, जिसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा आचार संहिता के दौरान उस पर 4 बाउंड्री कर ली गई। वो जमीन एसटीएसएन पूर्व मेयर द्वारा गरीबों के लिए आवासों के लिए चिन्हित की गई थी, उस पर एसटीएसएन साहब का पत्थर भी लगा हुआ था। उस जमीन को भूमाफियाओं द्वारा तोड़ दिया गया पत्थर को और उस पर कब्जा कर लिया गया है। उसकी शिकायत लेकर हम लोग सब लोग आए थे। क्या हुआ है उसमें? उसमें महापौर जी ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया है और उन्होंने उसको सख्त कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है।